नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारा नाम किरण है, हम जिला मुजफ्फरनगर बुढ़ाना से हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हम अपने बेटे को दिखाने आए हैं। कितने वर्ष का बेटा है? 6 साल का। क्या तकलीफ है बच्चे को? सर इसके पैर अंदर को मुड़े हुए थे। अच्छा जी सर। तो दूसरे पैर का ऑपरेशन हो चुका है? हाँ जी, इसका हो चुका है। पैर में फायदा हुआ है? जी सर, पहले बहुत मुड़ा हुआ था, यहाँ से चलता था इधर साइड से। अब सीधे से नीचे पैर पगतली रख के चलता है? हाँ जी चलता है। और दूसरे पैर का ऑपरेशन हुआ है, प्लास्टर में है, ये भी प्लास्टर खुलेगा तो सीधा हो जाएगा? जी सर। आपने कहीं दिखाया इसे? सर हाँ जी, बहुत दिखाया इसको, इसका प्लास्टर चढ़े थे, 55 पैदा होते ही इसके प्लास्टर चढ़ गए थे। फिर 8 महीने तक चढ़वाए सर, फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी सर, सब बोले हो जाएगा हो जाएगा, हम प्लास्टर चढ़वाते रहे। अच्छा। पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा जब जब प्लास्टर खुला तो पैर फिर से मुड़ गए। आपके दर्द को दुख को मैं समझ सकता हूँ, एक माँ जब बच्चे को तकलीफ में देखती है तो हृदय आंसुओं से भर जाता है। फिर आपने कहीं और दिखाया? नहीं सर, 8 महीने तक प्लास्टर चढ़वाते रहे बस, फिर नहीं दिखाया। और जब आपको फल नहीं मिला तो क्या भावना हुई आपकी? सर हमें लगा ये होगा ही नहीं। अच्छा जी सर। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लगा? सर हम इसका एडमिशन करवाने इसके स्कूल में गए थे। अच्छा। तो इसकी टीचर ने हमको बताया कि उधर दिखाओ उधर जाओ, हम अपने भाई को लेकर गए थे उधर। अच्छा जी, उन्होंने बताया हमें। अच्छा हाँ, फिर हम इधर लेके आए, 1 साल हो गया हमें इधर आते हुए। अच्छा जी सर। कितनी बार आ गए आप? सर अक्टूबर में आए थे हम पिछली साल। अच्छा, 3 या 4 बार आ चुके? 4 बार आ चुके सर। 4 बार आ चुके। अब तो मुझे लगता है अंतिम चक्कर है, या एक बार और आना पड़ेगा? सर अभी विजिंग के बाद पता चलेगा। एक बार और आना पड़ेगा जी सर। ठीक है। इनके पिताजी कहाँ हैं? सर वो बाहर हैं। बाहर हैं। अच्छा। बच्ची सो रही है उसके पास है। अच्छा, उसके पास है जी सर। आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? नहीं सर। खुश हैं आप? जी सर। बच्चे को ठीक होता हुआ देख रही हैं? हाँ जी। तो आप यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? सर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर, हमारा बच्चा सही हो गया और सबके सही हो जाएं। सबके सही हो जाएं। जी सर, बहुत अच्छे भाव। क्या नाम है बेटे का? अभिमन्यु। अभिमन्यु कुछ बोलेगा क्या? अभिमन्यु बोलो। जय नारायण। जय नारायण। कैसे हो आप? बढ़िया। अभिमन्यु का मतलब समझते हो? कौन थे अभिमन्यु, पता है आपको कौन थे? अर्जुन के पुत्र थे, है ना? कौन थे? अर्जुन के पुत्र। अभिमन्यु। हाँ, आप उनको कहानी सुनाना अभिमन्यु की, उन्हें पता लगे कि उनका नाम किसके नाम से है। तो अभिमन्यु कैसा लग रहा है आपको बेटा? अच्छा। आपको एक कविता आती है, आपको सुना दीजिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। अरे तेरी तो, ये तो मैंने पहली बार सुनी, ये मैंने पहली बार सुनी ये लाइन, आपने खुद ने बनाई है, ये तो लिखी हुई नहीं थी किताब में, सारा पानी पी जाएगी। अब मरने के बाद भी कोई मछली पानी पी जाएगी, ये आपने खुद ने बनाई है। तालियां बजाइए जोरदार अभिमन्यु के लिए। अभिमन्यु अच्छा लग रहा है आपको? खुश हो आप? बड़े होके क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। यार सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर बन के कोई नारायण सेवा में आता नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप नारायण सेवा में आना, आओगे ना? फिर आपके जैसे बच्चे हैं ना, उनका इलाज करना, फिर उनको सुई लगाना। सुई लगाओगे? हाँ, सुई लगाने में तो क्यों नहीं लगाओगे आप? ठीक है सर। और फिर चॉकलेट दोगे उनको? चॉकलेट भी देना। सुई लगाओगे तो उनको दुखेगा, अब चॉकलेट दोगे तो खुश हो जाएंगे। अभिमन्यु के लिए पुनः तालियां, इनकी माता जी और इनके बेटे के लिए।